वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कश्मीर प्रीमियर लीग रोस्ट ऑफ इमरान खान बाय शम शर्मा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, ट्विटर में हमें फॉलो करें। जब भी हमारे नए वीडियोस किसी भी चैनल में पब्लिश होते हैं वहां आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, आपने मुंगेरी लाल के बारे में तो सुना ही होगा। आज आइए मैं आपको पाकिस्तान के मुंगेरी खान और उनके कश्मीर प्रीमियर लीग के हसीन सपनों के बारे में बताता हूँ। हेलो हेलो, और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो भाई, हम सब अपनी लाइफ में एक मुंगेरी लाल को तो जानते ही हैं। मुंगेरी लाल एक ऐसा इंसान होता है जिसके सपने उसकी औकात से बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, हम गधे हाँ, जो दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे लेकिन उल्टा उन्होंने उसको अटलांटिस बना दिया। हमारे राहुल गांधी जी जो इस तरह के स्टंट करते आए हैं लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। यू सी इट वर्किंग? ओके, आई डोंट सी स्वच्छ भारत वर्किंग वेरी वेल। गजब बेइज्जती है। स्पीकर मैडम, वेट, सॉरी। How you are going to help those? I don't think you have the facilities for that, big man. और ऐसे कई मुंगेरी लाल इंडिया में हैं, लेकिन ऐसे मुंगेरी लाल सिर्फ इंडिया में ही नहीं हैं, पड़ोस के देशों में भी ऐसे कई मुंगेरी लाल हैं। तो आज मैं आपको पाकिस्तान के मुंगेरी खान के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान के मुंगेरी खान है इमरान खान, जो दुनिया के इकलौते इंसान है जिन्होंने एक भूत से शादी की है। मुंगेरी खान जब पावर में आए थे तो नया पाकिस्तान और तब्दीली की बात करते हुए आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तब्दीली और ये नया पाकिस्तान मटेरियलाइज नहीं हुआ है इनके पावर में आने के बाद। तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे। मतलब कुछ तब्दीलियां तो हुई हैं। फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान थोड़े पैसे कमाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस भाड़े पर चढ़ा रहा है। जिस समय पूरी दुनिया घोड़े बेचकर सोती है उस समय पर पाकिस्तान गधे बेचकर पैसे कमाता है। अब तो तालिबान, जिसको पाकिस्तान ने इतनी मेहनत करके खिलाया, पाला, पोसा, अब तो पाकिस्तान भी ड्यूरन लाइन को, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, उस लाइन को मानने से मना कर रहा है और फाटा को पाकिस्तान से कैप्चर करना चाहता है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपना खुद का घर भाड़े पर चढ़ाना पड़ रहा है, उसके ऊपर से इनको कश्मीर चाहिए। तो क्लियरली मुंगेरी खान के चारों तरफ काफी फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है आजकल। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो बिल्कुल अपने आप को इस्लाम की तलवार की तरह दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को, लेकिन इस इस्लाम की तलवार होते हुए उनकी आंखों के सामने आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया। We have been hoodwinked, bamboozled, led astray, run amok, and flat out deceived. उसके बाद वो खूब चीखे, खूब चिल्लाए, हर एक फोरम पे जाके उन्होंने अपनी चूड़ियां तोड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े बड़े अखबारों में भी आर्टिकल लिख लिख के इंडिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दुनिया का रिस्पॉन्स काफी क्लियर था। तो जब से मुंगेरी खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है भीख मांगना। मुंगेरी खान भीख मांगने के लिए इतने फेमस हैं कि कहीं ये फोटो उनकी ऑफिशियल पोर्ट्रेट ना बन जाए। तो मुंगेरी खान की हालत काफी खस्ता है आजकल, और आप तो जानते ही हैं कि गरीबी प्लस बेबसी प्लस फालतू की अकड़ बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन, और आपसे काफी स्टूपिड बेवकूफाना चीजें करवा सकता है। तो जिस तरह राहुल गांधी को लगता है कि इस तरह के बेवकूफाना स्टंट करके वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उसी तरह से मुंगेरी खान ने भी अनाउंस किया कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब मुंगेरी खान ने सोचा था कि भाई पीओके में हम स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाएंगे, यूरोप के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलवा के हम क्रिकेट खिलवाएंगे, पूरी दुनिया की नजरों में ये जाएगा, लेकिन मुंगेरी खान एक चीज भूल गए। सरप्राइज मदरफ़।
बीसीसीआई ने कहा नो थैंक यू। बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम सभी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड से कह रहे हैं कि वो यहाँ पर अपने प्लेयर्स को ना भेजें, क्योंकि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड का कोई भी प्लेयर पीओके वाली क्रिकेट लीग में जाकर खेलता है तो वो बीसीसीआई के किसी भी टूर्नामेंट में, इंडियन प्रीमियर लीग में, इंडिया के रिलेटेड किसी भी क्रिकेट इवेंट में खेलना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। बीसीसीआई ने ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान सुपर लीग से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जमीन के ऊपर किसी भी टूर्नामेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और देखिए, इंडिया का बहुत चीजों में बस नहीं चलता, लेकिन एक चीज जहां पर इंडिया का थोड़ा बस चलता है वो है क्रिकेट, क्योंकि दुनिया भर के सारे फेडरेशन बीसीसीआई की बात सुनते हैं, क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर क्रिकेट फेडरेशन है। बीसीसीआई ने सिर्फ खुद 2020 में अराउंड 4,000 करोड़ रुपए कमाए थे, और पैंडेमिक के पहले 2019 में बीसीसीआई का जो इवेंट है आईपीएल, उसकी वैल्यूएशन थी अराउंड 47,000 करोड़ रुपीज, यानी अराउंड 6.8 बिलियन डॉलर्स। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है अराउंड 55 करोड़, यानी अराउंड 25 लाख पर बॉल, और पाकिस्तान सुपर लीग का टोटल विनिंग अमाउंट है सिर्फ 3 करोड़ रुपए। 2019 में आईपीएल ने जो टोटल प्राइज मनी दी थी वो थी अराउंड रुपीज 500 मिलियन, यानी अराउंड 7 मिलियन डॉलर्स। विनिंग टीम को मिले थे अराउंड 200 मिलियन रुपीज, यानी अराउंड 3 मिलियन डॉलर्स। तो यही तो डिफरेंस है एक ऐसे देश में जो क्रिकेट में इन्वेस्ट करता है और एक ऐसे देश में जो स्टोन पेल्टिंग में इन्वेस्ट करता है। और देखिए, ये जो प्राइज मनी है ये ग्लोबल स्पोर्ट्स में भले बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन क्रिकेट के मामले में ये काफी बड़ा अमाउंट है। इससे बड़ा अमाउंट आपको दुनिया में ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी क्रिकेट में। और बीसीसीआई का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस ऐसा है कि फाइनली इंडियन क्रिकेट काउंसिल को भी इस पूरे के पूरे कश्मीर सुपर लीग से अपने हाथ धोने पड़े। उन्होंने बोला कि भैया हमारा यहाँ कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद द कश्मीर प्रीमियर लीग। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जैसे क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने प्लेयर्स को कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने से सीधे सीधे मना कर दिया। कई बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी कश्मीर प्रीमियर लीग में आने से मना कर दिया। और इस डेवलपमेंट के रिस्पांस में पाकिस्तानियों के बड़े मेल्टडाउन हो रहे हैं। बवासीर एक आम समस्या है। इनिशियली मेल्टडाउन हुए थे पाकिस्तानी आर्मी के जो टट्टू पॉलिटिशियंस हैं उनके, वो कह रहे थे कि भाई बीसीसीआई बड़ी ज्यादती कर रही है, इंडिया बड़ी ज्यादती कर रही है पाकिस्तान के साथ। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भाई बीसीसीआई जो है वो इस इशू को पॉलिटिसाइज कर रहा है। हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता। बेटा तुमने टूर्नामेंट बनाया है इंडियन जमीन पर और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया कुछ बोले भी ना। अरे भैया, इंडिया तो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल पावर और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई असली औकात वाली सनकी देश होता ना अमेरिका जैसा, तो अभी तक चढ़ाई भी कर दी होती उन्होंने। इंडिया की बहुत कम जगहों पर एक्चुअली बस की है, और एक जगह जहां पर उनके बस की है वो है क्रिकेट। तो भैया हम आपको ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन आपके टूर्नामेंट को कोई भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और आपके टूर्नामेंट में बड़े बड़े प्लेयर्स को आने से तो रोक ही सकते हैं। और फनी बात तो ये है कि सिर्फ इंडिया को ही नहीं, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सुपर लीग है क्रिकेट की, उसके फ्रेंचाइजेस को भी कश्मीर सुपर लीग से प्रॉब्लम है। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजेस ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा है कि इस कश्मीर लीग का हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। अपेरेंटली 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजेस को ये वादा किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा कोई भी और लीग और कोई भी और फ्रेंचाइज पाकिस्तान में अलाउड नहीं होगा, और ये कश्मीर सुपर लीग अनाउंस करके ये उस वादे को भी तोड़ रहे हैं। तो एक तरफ तो इनके पास ढंग का लीग ऑर्गेनाइज करने के पैसे नहीं है, एक तरफ तो ये अपने खुद के लीग को धोखा दे रहे हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना नल्ला है, इतना गरीब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खुद के प्लेयर्स को कह रहा है कि भैया आप अपना कोविड टेस्ट खुद कराएं, हमारे पास पैसे नहीं है। उसके ऊपर से ये कश्मीर सुपर लीग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इनको कश्मीर चाहिए। See, I'm telling you, I have the mind of a master. I have the mind of a mastermind. What's that? I don't know, but and I'm so creative like that. और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका पाकिस्तान के मुंगेरी खान और उनके कश्मीर प्रीमियर लीग के हसीन सपनों के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है ये सक्सेसफुल होगा, फेल होगा? क्यों ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वाह, क्या सजेशन थी आपकी, जिस वजह से रोस्ट किया ना, कमाल है।
अच्छा मेरे को नहीं पता था कि ऐसी कोई एक लीग वो बनाने की सोच रहे हैं कि हम ऐसी बनाएं। मेरे को लगता है ये सब उनके पॉलिटिकल जो होते हैं ना चाले टाइप होंगी कि इस तरह से दिखाएं कि भैया किसी तरह से उन्होंने शो करना है वर्ल्ड को कि ये जो है पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये कश्मीर जो आपने इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो पाकिस्तान का ही पार्ट है। वो दिखाने की कोशिश में उन्होंने ये लीग सोचा कि हम ये लीग चलाएंगे और लाएंगे प्लेयर्स ऑल फ्रॉम वर्ल्ड से और फिर वो करेंगे हम यहाँ पे। तो पर उनका जो जो भी वो था वो पूरा खत्म कर दिया और वो तो ये बता ही रहे हैं क्योंकि पावर इतनी थी कि उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करोगे तो आप लोगों को हम नहीं लेंगे। तो फिर ऑब्वियसली जब उनको दिख रहा है कि यहाँ से हमें ज्यादा फायदा है, वो एक छोटी सी लीग है, नई हो रही, नई शुरू हो रही है, पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं। मोस्टली ऐसे लग रहा है कि लोग जो टिकटर्स हैं प्लेयर्स वो डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं हमने ज्वाइन ही नहीं करना, वो रिफ्यूज कर रहे हैं। तो इवेंचुअली ऐसे ही लग रहा है, पर अच्छा मजाक था जैसे उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने डाला, क्लिपिंग्स डाली उस वजह से। पर अच्छा है कि स्टैंड ये लिया है क्योंकि इस टाइप के काम तो होएंगे होंगे पाकिस्तान की साइड से, तो ये तो उनको काउंटर एक्ट करना पड़ेगा इंडिया को, नहीं तो वो धीरे धीरे वो और ना वो आगे फैलता जाएगा और कोशिश वो यही करेंगे कि ये कोई डिस्प्यूटेड लैंड ही नहीं, ये तो हमारी लैंड है। तो बहुत अच्छा किया कि उसी टाइम स्टैंड लिया और बोला कि नहीं। और वैसे भी हमारे यहाँ से भी जो है हमारे पॉलिटिकल एम्बेसडर्स वो सब भी ये बता बोल रहे हैं कि भैया तो पाक ऑक्यूपाइड है, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो ऐसे अगर वो सुनते रहेंगे तो उनको भी वो रियलाइजेशन रहेगी कि भैया इसको अपना पार्ट नहीं समझो, अभी जल्दी से हमारे पास आने वाला है। अच्छा वीडियो था, इसमें पॉइंट यही था कि देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर कुछ करना इंटरनेशनल गलत काम था। तो जब वो बोल रहे हैं आप पॉलिटिक्स यूज कर रहे हैं तो उसका आंसर यही है कि पहले शुरुआत आपने की थी कि आपने जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मतलब आपने ऑक्यूपाई किया है इंडिया की धरती, उस पर आप कोई सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल, तो कैसे पॉसिबल था ही नहीं होना। और ये बहुत अच्छी बात है कि BCCI जो बोल रहे हैं बहुत ही पावरफुल बोर्ड है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, उसकी वजह से उन्होंने डेफिनेटली बोल लिया कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए हमारे जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम आयोजित करते हैं, उनमें आप नहीं आ पाएंगे। सोचिए बहुत बड़ी बात थी कि वो बंदा कभी भी इंडिया में नहीं आ पाएगा खेलने के लिए किसी भी चीज़ को इतनी सारी। और दूसरा ये भी बोला था उन्होंने, मेरे ख्याल से यही था कि हाँ अपने चीज़ों से तुम्हें बाहर कर देंगे, और वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे सेल्फ की, उनको लगे जिंदगी भर के लिए नहीं खेल पाना। और इतना पैसा सभी को ये होता है, सबको पता है कि जो इंडिया का IPL है उसे सब मैक्सिमम पैसा बनता है, तो यही कहेंगे कि भैया कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। प्लस जो उन्होंने एक और पॉइंट बोला, जो उनकी अपनी जो पाकिस्तान सुपर लीग है मेरे ख्याल से उनको भी प्रॉब्लम थी, उनको जो वादा किया था वो भी नहीं हुआ, उनको बोला था कि भाई तुम्हारी लीग हो गई अब एक और KPL आ गई तो उनको प्रॉब्लम हो गई। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और काफ़ी अच्छी बात है कि ये उनका मामला ठप हो गया पूरा। तो बस यही मतलब बात थी कि BCCI पावर की वजह से अब ये मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।